चालाक ब्रो चालाक, बिग बॉस फैंस के कान ये सुनने के लिए तरस गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके चहेते छोटे भाईजान ने री एंट्री मार ली है। लेकिन ये क्या स्वागत के साथ अब्दू ये कौन सा नया स्वैग लेकर आए हैं? क्यों कंटेस्टेंट अब्दू के अंदाज से शॉक्ड है? क्या छोटे भाईजान किसी गेम प्लान के साथ लौटे हैं? तो चलिए जानते हैं छोटे भाईजान अब्दू रोजिक की बिग बॉस में वापसी कैसी रही। बिग बॉस 16 का ये वीकेंड का वार फुल एंटरटेनिंग रहा, जहां एक और अंकित गुप्ता के एविक्शन से प्रियंका बेहाल दिखी, तो अब्दू रोजिक की वापसी से घर वालों को बड़ा सरप्राइज मिला। पिछले हफ्ते शो से विशेष शूट पर जाने वाले अब्दू रोजिक का घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब्दू के एंट्री लेते ही सब खुशी से झूम उठे। अब्दू को देखते ही उनके दोस्त शिव ठाकरे, एमसी स्टैन और निमृत कौर आहलूवालिया खुशी से उछल पड़े और उन्हें गले लगा लिया। साजिद खान और दूसरे घर वाले भी अब्दू को देख कर खुश हुए। हो भी क्यों ना, आखिर उन्हें हंसी से लॉटपॉट करने वाला उनका छोटा ब्रो वापस जो आ गया है। लेकिन घर में वापसी के साथ ही अब्दू के अंदाज कुछ बदले बदले नजर आए। इस बार सलमान खान के फेमस डायलॉग स्वागत नहीं करोगे हमारा के साथ अब्दू ने एंट्री ली। अब्दू ने जैसे ही अपनी आवाज में ये डायलॉग कहा, इसके बाद सभी घर वाले एक्साइटेड हो जाते हैं और गेट की तरफ तेजी से भागते हैं। जब खुद अब्दू सभी कंटेस्टेंट से मिल रहे होते हैं तो उनके बिहेवियर में एक बदलाव देखने को मिलता है। वो अपनी क्लोज फ्रेंड निमृत से कटे कटे दिखते हैं, जो खुद निमृत को भी अजीब लगता है और वो इस बात को बाद में सभी घर वालों के सामने रखती है और कहती है कि अब्दू मुझे इग्नोर कर रहे हैं। निमृत के साथ ही साजिद खान के साथ भी अब्दू पहले की तरह नहीं दिखाई देते हैं। अब्दू कुछ उनसे भी थोड़े कटे कटे दिखाई देते हैं। वहीं कुछ घर वालों को लग रहा है कि बाहर रहने के बाद अब अब्दू अपना नया गेम प्लान बनाकर आए हैं। बिग बॉस 16 में एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट है जिन्होंने अपने अनोखे अपीयरेंस से फैंस का दिल जीता है। लेकिन तजाकिस्तान से आए 19 साल के अब्दू रोजिक ने ना केवल फैंस का बल्कि घर वालों का भी दिल जीता है और उनके चहीते बन चुके हैं। अब्दू रोजिक तजाकिस्तान के फेमस सिंगर है, इसके अलावा वे एक फेमस सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।